एसएन न्यूज में आज की हमारी न्यूज रिपोर्ट है आजकल के खास सवाल पर, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस क्या बेहतर है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना के बाद से वर्क फ्रॉम होम एक आम बात हो गई है। पिछले 2 साल से एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया। अभी कोरोना का तूफान पूरी तरह से थमा नहीं, फिर भी कंपनीज पूरा जोर लगा रही हैं कि एम्प्लॉयज ऑफिस आकर काम करें। हमारा कहना यह है कि जब कंपनीज का काम बराबर हो रहा है तो ऑफिस बुलाने की इतनी जल्दी क्यों। आपको बताते चले कि वर्क फ्रॉम होम के क्या फायदे हैं। कंपनी का ट्रांसपोर्ट का खर्च बचेगा अगर कंपनी कैब प्रोवाइड करती है तो। इसके अलावा कंपनी को ऑफिस का रेंट और मेंटेनेंस का खर्च बचेगा। रोड पर ट्रैफिक कम होगी। एम्प्लॉयज अगर खुद से ट्रैवल करते हैं तो उनका टाइम और उनका पैसा बचेगा। ये एक्स्ट्रा टाइम वो फैमिली के साथ गुजार सकते हैं या एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में अपना टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने चैनल के जरिए कंपनी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि और थोड़ा टाइम लें ताकि कोरोना की लहर पूरी तरह ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंसान की जान सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत से एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए रेडी होंगे इस महामारी के ख़त्म होने के बाद। और ये बात गौर करने के काबिल है कि हम कंपनीज के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लाइवलीहुड्स। या फिर हम हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी अपना लें तो कंपनीज और एम्प्लॉयज़ दोनों का फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं वर्क फ्रॉम होम मूवमेंट, #workfromhome। अपने कमेंट्स में आप लिखिए कि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा बेहतर है या वर्क फ्रॉम ऑफिस। इसे जितना हो सके शेयर करें ताकि पता चल सके कितने लोग वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली अपनाने के लिए तैयार है और क्यों। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, खुदा हाफिज़ और दुआ में याद रखना।